Welcome to all of you. Today we are going to introduce different classes of metallic material as per engineering use. That is pure metals, alloyed metals, ferrous metals, non-ferrous metals, sintered metal and last one is clad metals. तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज के अनुसार अगर हम देखें तो मेटल्स को हम निम्न तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें कि पहला है प्योर मेटल। आइए अब हम बात करते हैं प्योर मेटल के बारे में। प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु। कोई भी मेटल तभी शुद्ध कहलाएगी जब वो एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हो, मतलब उसमें उपस्थित सभी एटम एक जैसे हो तो ये प्योर मेटल कहलाएगा। यानी ये हमारा प्योर मेटल की डिफिनीशन है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, राइट। तो इस तरह से अगर हम आगे प्योर मेटल की बात करें, ये किसी भी मेटल के आयस को रिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो बोरनाइट आयस से प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर हम एल्युमिनियम के आयस की बात करें तो एल्युमिनियम का आयस जो होता है वो हमारा बॉक्साइट होता है। तो उसके आयस से को हम रिफाइन करके हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, राइट। वैसे तो प्योर मेटल एक कॉन्सेप्ट है, ये 100% प्योर मेटल प्राप्त करना संभव है, फिर भी हम कुछ महंगी तकनीक का जो है प्रयोग करके 99.99% तक या फिर 99.95 या 99.98% तक प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आई मीन टू से दैट डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन, राइट। लेकिन इंजीनियरिंग में कमर्शियल पर्पस से अगर हम देखें तो इसका उपयोग बहुत सीमित है, राइट, ड्यू टू दियर हाई डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। सो इट इज नेसेसरी टू एड सम अलॉयिंग एलिमेंट्स टू इम्प्रूव दियर प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे हार्डनेस है, टफनेस है, एक्सेट्रा। जैसे अगर हम मैग्नीज को ले लें तो ये हमारा क्या इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। वहीं अगर हम जैसे अगर निकिल की बात करें तो निकिल क्या करता है, ये हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। राइट। तो इस तरीके से जब हम प्योर मेटल में कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिला देते हैं तो ऐसा मेटेलिक सब्सटेंस क्या कहलाता है, हमारा एलॉयड मेटल कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं एलॉय के बारे में, यानी दूसरा हमारा है एलॉयड मेटल। एलॉय की अगर हम बात करें तो एक मेटल को दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम मिक्स कर दें या मिला दें तो उससे हमारा जो है एलॉय बनता है। या इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलने से एलॉय बनता है, लेकिन से कम उसमें एक मेटल होना चाहिए, राइट। तो ऐसा मेटेलिक सब्सटेंस एलॉय कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, मान लीजिए कॉपर एलिमेंट में आप अगर टिन मिला दें तो ये क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज, राइट। यानी इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट को अगर एक साथ मिक्स कर दें तो हमारा एलॉय बनता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम गन मेटल को लें तो उसमें कॉपर है, टिन है और जिंक, तो इस तरीके से हमारा एलॉय बनता है। तो यहां पे अगर हम आगे देखें, यहां पे एलॉय की जो प्रॉपर्टी है इन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जिनसे मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होगी। यानी कॉपर की अगर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, वहीं अगर टिन की बात करें तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो जो एलॉय बनता है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों प्रॉपर्टी से भिन्न होगी, राइट, अलग होगी। और किसी भी एलॉय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है, चाहे आप कॉपर हो या टिन हो जिनसे वो मिलकर बना है, या कॉपर
टिन या जिंक हो, जिससे गन मेटल एलॉय बनता है, तो जो किसी भी एलॉय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है जिनसे मिलकर ये बना है वो कंपोनेंट कहलाता है। यानी अगर प्योर मेटल है तो वो वन कंपोनेंट, जिसको हम मोनो कंपोनेंट कहते हैं, वहीं एलॉय की बात है तो वो चाहे बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, या क्वार्टरनरी हो सकता है, क्वाइनरी, अगर मतलब कि अगर उसमें दो कंपोनेंट है तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट है टर्नरी, चार कंपोनेंट है क्वार्टरनरी, अगर पांच कंपोनेंट है तो क्विनरी। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे आयरन में और प्लस कार्बन मिला दें तो ये क्या होगा कि हमारा बाइनरी कहलाएगा, राइट। वहीं अगर इसमें आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम अगर मिला दें तो ये हमारा टर्नरी कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो हमारा मेटल बेस कहलाता है। मान लीजिए यहां पे क्या है, कॉपर है, तो अगर हम इसमें कॉपर का परसेंटेज देखें तो इसमें लगभग 88% कॉपर होता है। वहीं अगर टिन की बात करें तो इसमें 12% टिन होता है, तो ये हमारा ब्रोंज बनता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट पोर्शन है, मान लीजिए ये 88% ये हमारा बेस मेटल कहलाता है, और बाकी जो मेटल या नॉन मेटल हो सकता है वो एलॉइंग एलिमेंट कहलाता है। जैसे यहां पे 12% ये हमारा एलॉइंग एलिमेंट कहलाएगा, राइट। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो हमारा कॉपर 88% होता है, राइट। वहीं अगर टिन की बात करें तो 8-10% होगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो 2-4%, राइट। तो यहां पे ये हमारा कॉपर बेस मेटल हो गया, बाकी जो एलॉइंग एलिमेंट है ये हमारा जो है, बाकी जो एलिमेंट है वो हमारे एलॉइंग एलिमेंट कहलाएंगे। तो इन्हीं बेस के आधार पर हम जो है आगे बात करेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। वैसे अगर हम एलॉय को क्लासीफाई करें, राइट, अगर हम एलॉय को देखें तो एलॉय जो है ये दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल एलॉय एंड इंटरस्टीशियल एलॉय। दिस इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक अरेंजमेंट। आगे हम इस पे डिस्कस डिटेल में करेंगे सब्स्टिट्यूशनल एलॉय एंड इंटरस्टीशियल एलॉय के बारे में। सो इसको अगर हम देखें एलॉय मेटल को, तो इस तरीके से हम एलॉय को डिफाइन कर सकते हैं और उसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज ए फेरस मेटल, जिसको हम लौह धातु भी कहते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं फेरस मेटल के बारे में। फेरस मेटल की अगर हम बात करें, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा मेटल जिसमें मुख्य रूप से आयरन हो, यह वो हमारा फेरस मेटल कहलाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आयरन है, राइट। आयरन इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सच मेटल, दैट इज कॉल्ड फेरस। और जिसमें आयरन मुख्य रूप से ना हो, वहीं अगर नॉन फेरस की बात करें तो जिसमें आयरन की मात्रा ना हो वो हमारा नॉन फेरस मेटल कहलाता है। यानी कि दे आर कंपोज ऑफ मेटल्स अदर देन आयरन, दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, राइट। आगे अगर हम बात करें, वहीं अगर हम फेरस एलॉय की बात करें तो उसमें कुछ मात्रा अगर हम नॉन फेरस की मात्रा अगर कुछ नॉन फेरस मिला दें तो वो हमारा फेरस एलॉय कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम स्टील ले लें, तो स्टील क्या है, इसमें आयरन कितना होगा, लगभग 99%, और उसमें कार्बन देखें तो 1%, राइट। तो यदि फेरस मेटल को हम कार्बन के परसेंटेज के अनुसार या एलॉइंग एलिमेंट के अनुसार अगर हम क्लासीफाई करें तो ये निम्न तरीके से हो सकता है। मान लीजिए जैसे स्टील है, स्टील को अगर हम देखें कार्बन परसेंटेज के हिसाब से, तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, राइट। वहीं लो कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.15 से लेके ये 0.25% तक,
राइट। वहीं अगर हम मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो 0.25 से लेके ये हमारा 0.6%। वहीं अगर हम हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो ये 0.65 से लेकर के ये हमारा अप टू 1.5% तक होता है। तो इसी तरह अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो उसमें 2 से 4% तक होता है। तो इस तरीके से हम फेरस मेटल को कार्बन परसेंटेज के अनुसार या फिर एलॉयिंग एलिमेंट के अनुसार हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो इस तरीके से फेरस मेटल को हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और इसमें एग्जांपल जैसे स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम नॉन फेरस मेटल की। नॉन फेरस मेटल में देखें तो ऐसा मेटल जिसमें आयरन की मात्रा ना हो, यानी दे डू नॉट कंटेन आयरन, राइट, तो नॉन फेरस मेटल कहलाता है। लेकिन अगर नॉन फेरस एलॉय की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मात्रा आयरन की हो सकती है। वैसे देखें तो नॉन फेरस मेटल की लिस्ट वैसे बहुत लंबी है, लेकिन 7 ऐसे हैं जिनका यूज ज्यादातर होता है क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है। वो जैसे हैं कॉपर, लेड है, एल्यूमिनियम, जिंक, निकिल एंड मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आइए अब आगे बात करते हैं सिंटर्ड मेटल। वहीं अगर हम सिंटर्ड मेटल की बात करें तो ये पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पहले मेटल को क्या है, पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है, फिर उसको उचित मात्रा में मिक्स कर लिया जाता है, फिर उसको एक डिजायर शेप और साइज की डाई में भर दिया जाता है और उसको एक सर्टेन प्रेशर दे करके रिक्वायर्ड शेप एंड साइज का प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है। यानी उसको फिर फर्नेस में सिंटर कर लेते हैं। वैसे देखें तो ये जो है ये ट्रू एलॉय नहीं होता है, लेकिन एलॉय की कुछ प्रॉपर्टी होने से इसे हम टिपिकल एलॉय भी कहते हैं। चूंकि सिंटर्ड मेटल की बात करें तो जैसे सिंटर्ड कॉपर है, इसको यूज एज ए बियरिंग, राइट, जैसे सिंटर कॉपर को बियरिंग में यूज करते हैं, या फिर आप कहें तो उसको हीट पाइप्स में यूज करते हैं। लेकिन सिंटर्ड मेटल के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ये हाई लेवल ऑफ प्योरिटी है, इजी फैब्रिकेशन है, वहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है और यूनिफॉर्म पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी मीन्स वाइड स्पेसेस इन द मटीरियल, दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी। तो इस तरीके से सिंटर्ड मेटल के बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज क्लैड मेटल। क्लैड मेटल की अगर हम बात करें तो इसमें दो पदार्थों के जो गुणों को प्राप्त करने के लिए दो पदार्थों का सैंडविच तैयार किया जाता है। मींस क्लैड मेटल्स आर मेटल्स बॉन्डेड एट लीस्ट वन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, राइट। या फिर इसको ये कहें कि ये सैंडविच ऑफ टू मटेरियल इज प्रिपेयर टू अवेल द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मटेरियल। यानी दोनों पदार्थों की प्रॉपर्टीज को प्राप्त करने के लिए हम दोनों पदार्थों का एक सैंडविच तैयार कर लेते हैं, राइट, जिससे कि हमें डिजायर प्रॉपर्टी का जो है एक मटेरियल मिल जाता है। तो इस तरीके से जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए ड्यूरिलियम है, ड्यूरिलियम के ऊपर अगर एल्यूमिनियम की पतली परत डालने से क्या है कि कोरोजन रेजिस्टेंस और हाई स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस तरीके से जो क्लैडिंग की बात करें तो इसको प्राप्त करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे एक्सट्रूजन है या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या हाई प्रेशर मिल। तो इस प्रोसेस की मदद से हम क्लैड मेटल यानी दो मटेरियल का सैंडविच बनाते हैं, राइट, टू गेट द डिजायर प्रॉपर्टी एंड हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। तो इस तरीके से आज हमने डिफरेंट टाइप्स के मेटल के बारे में बात की। थैंक यू।